हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर अपनी फ़ोटो को या फिर कोई सी भी फ़ोटो को सेट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को ओपन करना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में अब आपको जो है ना कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे ऊपर पेंसिल का ऑप्शन है, पेंसिल पर सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपको नीचे ऐड पिक्चर लिखा है ना, ऐड पिक्चर पर सेलेक्ट करना है, तो आपका ये पेज आएगा। इसमें दो ऑप्शन है, कैमरा और गैलरी। तो कैमरा अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इससे आपके फोन का कैमरा चालू हो जाएगा, जिससे आप जो है साथ के साथ फोटो कैप्चर करके लगा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है गैलरी का, गैलरी पे सिलेक्ट करेंगे तो इससे आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आप जो है गैलरी में से भी कोई भी एक फोटो आप ले सकते हैं, फोटो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे चूज का ये बटन है, चूज पे सिलेक्ट करना है। तो आपका यहां पर इस पेज में सबसे ऊपर सेव का बटन दिखाई देगा, सेव पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपका जो है ना ये फोटो सेट हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर पर। तो इस तरीके से आप जो किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर फोटो को सेट कर सकते हैं। ठीक है।